10 दिसंबर को थाना वजीरगंज पर विभूति खंड गोमती नगर की एक लड़की ने 3 लड़कों के विरुद्ध मोबाइल चार्जिंग के बहाने गाड़ी में ले जाकर मादक पदार्थ और शराब पिलाकर बलात्कार किए जाने की तहरीर दी, जिसके आधार पर धारा 376D, 342, 328, 504 और 506 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल थाना वजीरगंज चौक बाजार खाला और पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया और भिक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगा दिया गया। 12 घंटे के अंदर ही घटना में संलिप्त सत्यम मिश्रा, जो कि नामजद अभियुक्त था, और उसके दो साथी सुहेल और असलम, जो कि बाजार खाला टुड़ियागंज के रहने वाले थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस गाड़ी से ले जाना बताया गया वो गाड़ी भी वैगन आर वो भी बरामद कर ली गई है और सारे अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी, तो मानसिक चिकित्सा विभाग KGMU में इलाज के लिए आती थी और उस विभाग के बाहर एक चाय की दुकान थी जिसे सत्यम मिश्रा चलाता था और वो चाय की दुकान सुहेल की थी। सत्यम मिश्रा के दुकान पर वो बैठ कर अक्सर चाय पीती रहती थी, तो उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी सत्यम मिश्रा से। और 5 तारीख की तहरीर तो कल 10 तारीख मुझे मिली है, लेकिन ये घटना 5 दिसंबर की है। 5 दिसंबर की शाम को जब वो वहां पर बैठी हुई थी तो उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। उसने सत्यम मिश्रा से कहा कि हमारा मोबाइल जो है चार्ज करा दो, तो उसने अपने एक साथी के एम्बुलेंस में मोबाइल चार्जिंग में लगवा दिया। बाद में जब इसने मोबाइल अपना मांगा तो वो एम्बुलेंस पता चला कि IT चौराहे पर है। ई रिक्शा से सत्यम मिश्रा के साथ ये IT चौराहे पर गई, वहां अपना मोबाइल ली और वहीं पर ये दोनों उसके साथी सत्यम और उसके दोनों साथी यानी असलम और सुहेल वैगन आर गाड़ी में इनके साथ हो लिए और पीड़िता के साथ इनको नशे का जो है खिलाए पिलाए, शराब पिए और उसके बाद शराब गांजा ये सब खाए पिए और फिर ये लोग जो है कालका होटल सफेदाबाद गए, वहाँ खाना खाए और उसके बाद गाड़ी में जो है दुष्कर्म किए। ये घटना थी और फिर बाद में मुंशी पुलिया पर उसकी सहेली के घर के पास जो है छोड़ दिया गया। तत्काल सारे अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गाड़ी बरामद कर ली गई है, पूरी कार्रवाई तत्परता से पुलिस द्वारा की गई हमारी पश्चिमी जोन की टीम के द्वारा और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग छानबीन कर रहे हैं इनके कंडक्ट की, जितने इनके आपराधिक गतिविधियां हैं उसकी हम छानबीन कर रहे हैं। सबसे एक अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इस युवती से कब से ये लोग कनेक्टेड थे, कब से इन लोगों जी इसमें इसमें जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को, ये 1 महीने से जो चाय की दुकान पर सत्यम मिश्रा बैठता था उससे युवती का जान पहचान हो गया था, क्योंकि ये वहीं बैठ करके घंटों, क्योंकि ये मानसिक भी इसकी चिकित्सा चल रही थी तो वो घंटों बैठती थी वहां पे और वहां पर बातचीत करती, तो उससे अच्छा जान पहचान हो गया था उसी के माध्यम से और मोबाइल चार्जिंग के बहाने जो है ये घटना। सर आपराधिक तहत ये क्या नहीं है? नहीं, सत्यम की ही पर्ची थी, अन्य को नहीं जानती। जो तहरीर भी इन्होंने दिया है उसमें सत्यम को ही नामजद किया है और उसके 2 अन्य साथी को किया है, तो साथियों का उन्होंने तत्काल पता किया और पता करके जो है उनको गिरफ्तार किया है। जिस लड़की को लेके गए सर गाड़ी से, गाड़ी बरामद? हाँ हाँ, गाड़ी बरामद हो गई है बैगनार, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।